होटल हाईवे इन। एक कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। यस। हेलो शेखर। राजीव कहाँ हो भैया? 12 बज चुके हैं, भूख के मारे बुरा हाल है, आप अभी तक पहुंचे नहीं। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, बस मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। 1 घंटा? ऐसा करो तुम लोग खाना खा लो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं खाना खा के पहुंचता हूँ। मेरे सामने एक होटल है, होटल हाईवे इन। हाईवे इन? ये कहाँ है भाई? ये मुंबई से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं माइलस्टोन के पास ही खड़ा हूँ। लेकिन वहाँ से तो मैं कई बार आता जाता हूँ, इनफैक्ट कल रात ही वहाँ से निकला था, ऐसा कोई होटल मुझे दिखाई नहीं दिया। कैसी बातें कर रहा है यार, सामने होटल है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है, मैं माइलस्टोन के एकदम बाजू में ही खड़ा हूँ। यकीन नहीं हो रहा तुझे? मैं फिर से पढ़ देता हूँ, 35 किलोमीटर मुंबई। अच्छा खासा होटल है। चल अब फटाफट फोन रख, मैं खाना खा के पहुँचता हूँ। ओके बाय। शेखर, शेखर क्या हुआ? मरी, तुमने मुंबई नासिक रोड पर किसी हाईवे इन होटल का नाम सुना? हाईवे इन? नहीं तो। ये होटल इतना सुनसान क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इसीलिए वो दरबान आधा झुक गया था, यहाँ कोई आता ही नहीं होगा। January 12, 1990, 15 साल पुराना पेपर। अजीब बात है, इतना पुराना पेपर यहाँ क्यों रखा है? कोई है क्या? हेलो, लगता है तुम्हारे यहां कोई आता जाता नहीं है, है? थैंक्स। सॉरी बोला ना, सॉरी। मारोगे क्या? मेनू कार्ड। थैंक्स। अरे ये क्या मजाक है? ये क्या मेनू कार्ड दिया तुमने? इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या नहीं लिखा है, सब कुछ तो लिखा है, देखो ना ठीक से। ठीक से मतलब? अरे कुछ लिखा होगा तभी तो दिखाई देगा ना मुझे। देखो देखो, लाओ मेनू कार्ड दो। लो देखो। लगता है आपने ज्यादा पी रखी है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लो, सब कुछ तो लिखा हुआ है। इसमें तो सब कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? शायद मैंने ज्यादा पी लिए, चढ़ गई मुझे, इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। खाने में क्या लेंगे आप? एक हांडी बिरयानी। 10 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है, वॉश बेसन कहाँ है? वहाँ। कैसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं? ये कौन चिल्ला रहा है वहां?
ये वेटर, ये वेटर कहाँ गया? ना! छोड़ो मुझे। किसे किसे लेके जा रहे हो तुम? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। सुनो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। नहीं, सुनो, नो! ये सब वाकई हो रहा है या नशे की वजह से सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा है? सर, वो अभी वहां किचन से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। क्या हो रहा है वहां पे? आपका खाना तैयार है, चुपचाप खाना खाइए। शेखर, क्या हुआ? राजीव का फोन अब तक नहीं लगा? नहीं लग रहा है, क्योंकि अब उनका फोन बंद हो चुका है। कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गए भाई साहब। एक घंटे में आने वाले थे, सुबह हो गई है। शेखर, शायद वो ऑफिस चला गया होगा। तुम ऑफिस से फोन क्यों ट्राई करते? वो भी करके देख लिया मोनी, उसके घर पे भी फोन कर चुका हूँ। कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए भाई साहब। शेखर, कहीं राजीव के साथ कुछ हो तो नहीं गया? और तुम तो कह रहे थे हाईवे नाम का कोई होटल है ही नहीं। हाँ, ऐसा कोई होटल नहीं है। मोहिनी, हाँ? मैं उस जगह जाकर देखता हूँ जहां से कल रात राजीव ने मुझे आखिरी बार फोन किया था। उसने मुझे बताया था कि वो होटल ठीक उस माइलस्टोन के सामने है जिस पे लिखा है मुंबई 35 किलोमीटर। राजीव ने कहा था इस माइलस्टोन के सामने हाईवे होटल है, लेकिन यहां तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ ये खंडर है यहां पे, क्या करें? MH 01 3531.
राजीव यहां पे आया था तो फिर वो गायब कहां हो गया? और ये गाड़ी एक ही रात में इतनी पुरानी, जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या राजीव की गाड़ी मिली खंडर के पास और वहां हाईवे ना कोई होटल भी नहीं है? क्या बात है बेटा, राजीव का कुछ पता चला? नहीं पापा, कुछ पता नहीं चला। हर जगह फोन करके देख लिया, उसके ऑफिस, उसके घर। मैंने उस जगह जाके भी देखा जहां से उसने मुझे आखिरी बार फोन किया था। कहां से फोन किया था उसने? वो कह रहा था वो किसी होटल के सामने खड़ा है, उस होटल का नाम था हाईवे इन। हाईवे इन, जिस जगह का नाम तुम बता रहे हो हाईवे इन, वहां से पिछले 15 सालों में कई लोग गायब हुए हैं और सबके सब रात को गायब होते हैं। आज से ठीक 15 साल पहले हाईवे इन नाम का होटल था वहां पे। 15 साल पहले था? एक रात अचानक उसमें आग लग गई और सब कुछ जल के खत्म हो गया। जितने भी लोग उसमें थे सब जल के मर गए। शायद ही कोई बचा हो बेटा। अरे किसी को कुछ तो पता होगा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ मालूम नहीं। बस आज तक वहां से जो भी गायब हुआ वो कभी लौट कर नहीं आया। मोहिनी, मुझे इस हाईवे इन होटल के बारे में पता लगाना होगा और यह भी पता लगाना होगा कि राजीव अचानक वहां से गायब कैसे हो गया। शेखर, वो सब ठीक है पर तुम पता लगाओगे कैसे? मैं खुद जाऊंगा वहां पे, खुद जाऊंगा वहां पे और देखूंगा कि क्या होता है। शेखर, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जान दूंगी। मोहिनी, राजीव हमारे घर पे आ रहा था जब वो गायब हुआ है। दोस्त है वो हमारा, अभी तक उसकी कार वहीं पे खड़ी है। एक ही रात में वो कार इतनी पुरानी कैसे हो गई? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा मोहिनी, मेरे पास ये गन है। शेखर, तुम कहीं नहीं जा रहे हो और अगर तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूं। डू यू गेट इट? ठीक है, तो हम दोनों साथ चलेंगे। शेखर, शेखर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करते हैं, वापस चलते हैं प्लीज। नहीं, हम यहां से अपने दोस्त को ढूंढने बगैर वापस नहीं जाएंगे। तुम गाड़ी से मत उतरो, कुछ भी हो जाए मैं अंदर जाके देखता हूं क्या होता है। क्या हो गया उसे?
शिखा को कुछ हो तो नहीं गया? ये खंडर अचानक होटल कैसे हो गया? मुझे शेखर को बचाना है। इसका मतलब राजीव ठीक कह रहा था, यहाँ पे होटल है, लेकिन यहाँ पे अभी अभी तो एक खंडर था। हे भगवान, हे भगवान, कहीं मैं भी राजीव की तरह गायब तो नहीं हो जाऊंगा। आपका खाना तैयार है सर। कैसा खाना? मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया सर। आप ही ने तो मंगाया था हांडी बिरयानी। पुराना कैसे हो गया? मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो तुम? मोहिनी, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है, बहुत जल गए हो तुम। सुनो, सुनो कहाँ जा रहे हो? प्लीज, प्लीज मुझे भी बचा लो। अपने साथ चलो। कौन चल गया? बाहर किसे जाना है? मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी कहाँ हो तुम? मोहिनी, 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 ये मोहिनी कहाँ चली गई? यहाँ तो कोई भी नहीं है। किससे बातें कर रही थी? कौन चल रहा था? कौन बाहर आया? यहाँ तो कोई भी नहीं। मेरी मदद कौन कर सकता? कौन कर सकता है? आज से ठीक 15 साल पहले हाईवे नाम का होटल था वहां पे। एक रात अचानक उसमें आग लग गई।
और सब कुछ जल के खत्म हो गया। कितने भी लोग उसमें थे सब जल के मर गए, शायद ही कोई बचा हो बेटा। पापा, पापा शायद मेरी मदद कर सके। पापा, पापा मोहिनी उसी होटल में रह गई। पापा, मुझे वहां से उसके चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो होटल रात में जिंदा हो जाता पापा, और वहां पे उसके साथ सारे मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते, और फिर अचानक वो होटल गायब हो जाता। तुम्हें मोहिनी कहीं दिखी? नहीं, मैं किसी तरह से वहां से अपनी जान बचा के निकला और देखा कि वो होटल वापस गायब, और उन खंडरों में से मुझे मोहिनी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी से बातें कर रही थी पापा, वो कह रही थी कि तुम बहुत जल गए हो और मुझे भी यहां से बचा के निकालो, यहां से बचा के निकालो। बहुत जल गए, बहुत जल गए हो? हाँ पापा, लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकला तो मुझे कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। एक बात बताइए पापा, जब वो हाईवे इन जला था तो वहां से कोई बच के बाहर निकला था? याद नहीं आ रहा बेटा, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन ऐसा ख्याल आ रहा है कि वहां से शायद कोई बच के निकला था। कौन निकला था? वो पूरी तरह से जला हुआ था, उसकी हालत बहुत खराब थी। कौन था? शायद उस होटल का बावर्ची था। बावर्ची? क्या नाम था उसका? नाम कुछ याद नहीं आ रहा है उसका, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन कुछ प्राण का प्रकाश, प्रकाश नाम था उसका, मैंने अखबारों में पढ़ा था, प्रकाश। हाँ, और वो किसी चाल में रहता था, चाल चाल डोड़ी चाल। भाई साहब, यहाँ पे कोई प्रकाश नाम का आदमी है। भाई साहब, अरे भाई साहब एक मिनट, यहाँ पे कोई प्रकाश नाम का आदमी रहता है। प्रकाश? नहीं नहीं, मैं किसी प्रकाश को नहीं जानता। भाई साहब मेरी बात तो सुने। अरे क्या चक्कर है? भाई साहब एक मिनट, 15 साल पहले एक हाईवे नाम का होटल जल गया था, उसमें एक आदमी काम करता था प्रकाश नाम का, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो कहाँ रहता है? प्रकाश? वो उधर उधर सामने वाली गली में रहता है, 113 नंबर का कमरा है। भाई साहब एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब क्या चक्कर है, प्रकाश का नाम सुन के सब डर के क्यों भाग जाते हैं? तेरा नंबर, प्रकाश जी मेरा नाम शेखर है, मैं आपसे होटल हाईवे इन के बारे में कुछ पूछना चाहता। देखिए दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज उन्हें परेशान मत कीजिए। मैंने परेशान नहीं करूंगा। प्रकाश जी कल रात उस खंडर के सामने से अचानक मेरी पत्नी गायब हो गई। मैं जानता हूं आज से 15 साल पहले आप वहां काम करते थे, वहां पे क्या हुआ ये सिर्फ आप जानते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए प्लीज। उस रात अचानक कॉलेज के 3-4 लड़के होटल में आ गए, सब बहुत नशे में थे, और अचानक उन लोगों ने वेटर से झगड़ा शुरू कर दिया।
ये क्या है बे? ये खाना है? सर आप ही लोग सब बार बार अलग अलग ऑर्डर दे रहे तुझे लाना पड़ेगा और ये खाना देखा कितना तेल है इसके अंदर तब भी नहीं खाएगा सर आप ही ने हट अबे हट भले से हट अबे हट क्या मैनेजर कब लाखेड़ा हट हट हो रहा है अबे छोड़ दे हो रहा है सर देखिए ना सर खामा खामा झगड़ा कर रहे हैं सर खामा झगड़ा कर रहे हैं हम लोग अरे तो ये गलती करता है ऊपर से तू इसको कहता है तभी से बात की जाएगी तभी से दिखाएगा ये होता भी दिखाएगा आपको क्या कर रहे हैं अब ये तुम लोगों ने क्या किया ये तुम मर गया साहब मैनेजर साहब मैनेजर को मार डाला पकड़ दे सबको किसी को भी भागने मत देना मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ पकड़ दे सबको कोई फोन नहीं करेगा कोई पुलिस को फोन नहीं करेगा अरे यार अब तो दो लोग मर चुके हैं हमें पुलिस पकड़ लेगी अब पुलिस ऐसे कैसे पकड़ लेगी चल बाहर चल पर वहां से लोग अचानक गायब कैसे हो जाते हैं वहां जिन लोगों की मौत हुई है उनकी आत्माएं आज भी वहीं पर भटकती रहती हैं पिछले 15 सालों से रोज रात में वही आग लगने की घटना होती रहती है उन लड़कों का आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कुछ पता नहीं लगा पता नहीं अब वो लड़के कहाँ हैं उन आत्माओं को कैसे छुटकारा दिलाया जाए वहां पे मेरी पत्नी कैद है कैसे छुड़ाऊंगा उसे जब तक वो लड़के उन्हें नहीं मिल जाते वो आत्माएं वहां से कहीं नहीं जाएंगी होटल हाईवे इन रोज रात में जिंदा होता रहेगा मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है मैं उस होटल को श्राप से मुक्त कराऊंगा और अपनी पत्नी को वापस लेके आऊंगा मर्डर नॉट एक्सीडेंट मिस्ट्री ऑफ हाईवे इन एक्सपोर्ट इसका मतलब होटल हाईवे इन में आग लगी नहीं थी कल लगाई गई थी लोगों को जानबूझकर मारा गया था Oh my God! Thank you. Hello, Amit. आज का पेपर देखा तूने? जो सब कुछ हमने 15 साल पहले हाईवे इन में किया था, वो सब छपा यार. एक आदमी की फोटो भी छपी है, जिसने सब कुछ देखा था. उस होटल का कुक था ना, वो. अरे यार, न्यूज़पेपर तो क्या सारे के सारे न्यूज़ चैनल में यही दिखा रहे हैं, और सब जगह पर तहलका मच चुका है. वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास कुछ सबूत है और ये सबूत वो बहुत जल्दी लोगों के सामने लाने वाले हैं हम लोग फंस जाएंगे हम लोग पकड़े जाएंगे यार हाँ यार एक ना एक दिन हम पकड़े जाएंगे लेकिन उससे पहले कि ये मामला आगे बढ़े हमें कुछ करना चाहिए तुम्हारा ही नाम प्रकाश है हाँ क्यों हमने तो सोचा था कि हमने सब लोगों को मार दिया है फिर तू कैसे बच गया तेरे को बचना नहीं चाहिए था बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे
कोई बात नहीं, वो गलती हम अब सुधार लेते हैं। तुझे मरना पड़ेगा प्रकाश, तू किसी को नहीं बता पाएगा कि उस रात क्या हुआ था। और ये बच्चा भी नहीं बचेगा। छोड़ो, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। क्या कहा, साफ साफ बोल। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगा। वो सबूत कहाँ है जो तू लोगों को देने वाला है? वो वहाँ खंडर में। हमें वो सबूत चाहिए। वो वही खंडर में मिलेंगे। तो चल, अभी चल। अभी नहीं, रात में जा सकते हैं। दिन में वहाँ पुलिस देख लेगी। तो ठीक है, आज रात ही चलेगा, तू हमारे साथ अकेला। यही वो जगह है। क्या है इस जगह में? ये वो जगह है जहां पर मैनेजर की लाश है जिसे तुमने मारा था। ये वो जगह है जहां पर उन दोनों वेटरों की लाशें हैं जिन्हें तुमने गोली से मारा था। चल, कितना खोदना पड़ेगा? बस जल्दी ही मिल जाएगी। होटल यहां कैसे आ गया? अभी तो हम लोग यहां। इस बुड्ढे ने, इसने हमें धोखा दिया। रुक जाओ, 15 सालों से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इन 15 सालों में जो भी रात को 12 बजे के बाद अकेला यहाँ पर आया, मैंने उसे कैद कर लिया। मैं जानता था कि इनका कोई रिश्तेदार तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आएगा। आखिर वही हुआ, तुम अपनी मौत के मुंह में आ ही गए। अब तुम नहीं बचोगे, मरोगे तुम। Okay.
नहीं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, ऐसे जाने दो, हमें माफ कर दो, नहीं, नहीं, हमें माफ कर दो, नहीं, 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 नही